हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंटली अपन लोग 12th फिजिक्स सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर्स नेम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और अभी मैं एक आप लोग को प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं। आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, एक ये मेटालिक प्लेट है और उस पर एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं। और ये जो रेडिएशन की जो वेवलेंथ है ना, वो वेरिएबल है। मतलब अपन लोग इसका हम लोग वेवलेंथ को चेंज कर सकते हैं, राइट। और एक ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अबव 5000 एंगस्ट्रम नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। और इसमें एक और अदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कोई अननोन रेजिस्टेंस के लिए, अननोन वेवलेंथ के लिए, सॉरी अननोन वेवलेंथ के लिए ये सेटअप का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट है। तो उस अननोन वेवलेंथ लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? तो यहां पर बात ये क्लियर है कि हमारा जो अननोन वेवलेंथ जो दिया है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? Vs 3 वोल्ट। तो इसका मतलब कि हमारा जो के मैक्स जो होता है, के मैक्स इज इक्वल टू ईवीएस होता है, राइट। तो इज इक्वल टू ई इंटू 3 वोल्ट। तो डेट इज कि ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। और ये हमारा अननोन जो लैम्डा हम लोग यूज कर रहे हैं और उस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। दूसरा एक जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जो 5000 एंगस्ट्रम दिया हुआ है जहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा, तो इसका ये जो क्या हुआ, ये लैम्डा थ्रेशोल्ड हो जाएगा। तो इससे हमारा ये मिल जाएगा फाइव इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो 124000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम एंड अपॉन लैम्डा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रम। तो इक्वेशन हम लगाते हैं ई इज इक्वल टू फाइव प्लस के मैक्स, राइट। तो इसमें हमारा फाइव का वैल्यू, ई का वैल्यू क्या होगा? एच सी बाई लैम्डा। तो 124000 और लैम्डा तो हमें पता नहीं है, इसका अननोन है। और फाइव का वैल्यू 124000 और इस पर 5000 लगा देंगे एंड प्लस के मैक्स की वैल्यू अपन कितनी आई है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सारे वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग क्रॉस चेक करना, लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है 2262 एंगस्ट्रम, ठीक है। मतलब मेजरली इसमें जो ये कॉन्सेप्ट है कि जहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन 5000 पर जो नहीं निकल रहा है उसमें वो क्या है, हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। मतलब फाइव इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ओके, थैंक यू।